आप सभी को मेरा नमन। साथियों, सुख की चाह किसको नहीं होती, कौन सुख प्राप्त करना नहीं चाहता, प्रत्येक जीव सुख प्राप्त करना चाहता है, परंतु जो मनुष्य का जो सुख है वो साधनों से अधिक, इंद्रियों से अधिक अतीन्द्रिय सुख ज्यादा स्थायी है। और इसमें भी जो परमात्मा का सुख है वो परम सुख है, वो सर्वोपरि है, परंतु हम कितने चाहते हैं कि हम परम सुख को प्राप्त हों, हम कितने गहराई से चाहते हैं, मानते हैं कि हम परमात्मा के सुख का आनंद ले सके, हम आनंदित हो सके। पहले तो चाह पैदा करेंगे तभी तो राह मिलेगी, जिसको चाह होगी उसी को राह मिलेगी। और ये तो है भी इतनी गहन चाहत का विषय कि जैसे डूबते व्यक्ति को सांस की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से इतनी इतनी गहराई से प्रभु को चाहना होता है, प्रभु से मिलने की चाह करनी होती है। और दूसरा जो विषय है वो ये है कि आत्मा का आनंद जो है या आत्मा का सुख है वो भी हमारा सुख सर्वोपरि है, परंतु हम कितने आत्मा के सुख के लिए कितना प्रयास करते हैं, हम कितना अपनी बुद्धि को ज्ञान योग में लगाते हैं प्रभु को पाने, प्रभु को समझने के लिए, आत्मा के आनंद के लिए, आत्मा के सुख के लिए हम कितना लगाते हैं अपनी बुद्धि को ज्ञान योग में, कितना हमने अपने शरीर को कर्म योग में लगाते हैं उस प्रभु को पाने के लिए, प्रभु तक पहुंचने के लिए, प्रभु को समझने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, हम कितना अपने मन को भावनाओं से भाव विभोर करते हैं प्रभु की सत्ता को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, तो हम कितना ज्ञान भक्ति कर्म दिन भर में करते हैं, इसके ऊपर हमारा ये आनंद, ये परम सुख निर्भर है कि हमें इसकी प्राप्ति कब होगी। लेकिन निसंदेह चाह से राह मिलेगी। तो अपने जो लिस्ट के कार्यक्रमों में, जीवन के उद्देश्य में, एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम प्रभु को प्राप्त कर सकें, प्रभु को पा सकें, आनंद को प्राप्त कर सकें हैं, आत्मा के सुख को समझ सकें, उसको आनंद की स्थिति में आ सकें। ये भी प्रयास हमारी प्यास से ही संभव हो पाएगा। तो ऐसी प्यास भीतर से जगाए, ऐसा प्रयास अपना करें, ऐसे पात्र हम बने कि परमात्मा को, प्रभु को, उसके सच्चे सुख को हम प्राप्त हो सके, परम सुख की प्राप्ति हम कर सके। अन्यथा जो संसार है, जो जीवन है, ये तो सुख और दुख और दुख और सुख और सुख और दुख के बदलने का ही नाम ये संसार है। जब इसी संसार में हम इस परम सुख का एहसास कर जाते हैं, आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर जाते हैं, परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, तो तभी हम इस परम सुख को प्राप्त कर पाते हैं, इसी संसार को स्वर्ग बना देते हैं।